राजकीय संस्कृत मॉडल स्कूल भट्टुकला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खंड स्तरीय समारोह धूमधाम से हुआ आयोजित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खंड स्तरीय समारोह मंगलवार को राजकीय संस्कृत मॉडल स्कूल भट्टुकला में आयोजित हुआ, जिसमें जिला उप पुलिस अधीक्षक चंद्रपाल ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ नागरिक शिवचंद बाना द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसकी अध्यक्षता खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विश्वजीत जांगड़ा की देखरेख में आयोजित हुआ। मास्टर ट्रेनर चितरंजन शर्मा, नंबरदार अनिल साई, राजेश बेनीवाल, दारा सिंह ने योग साधकों को योगा अभ्यास करवाया। इस दौरान पौधारोपण भी किया गया, जिसमें खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी विनय प्रताप सिंह व DSP चंद्रपाल ने पौधारोपण कर पर्यावरण के प्रति अपना संदेश दिया। इस अवसर पर DEP सतवीर सिंह, PTI मैना देवी, लेखाकार धर्मपाल, रविंदर ढाका, नरेंद्र लूणा, खुशी एक उम्मीद चेयरमैन गोपाल बंसल, प्रमोद भाटी, बाबूलाल सोनी, सुरजीत जांगड़ा, अपार सिंह, नागरमल, डॉक्टर सोनू, वेद प्रकाश, देवदत्त सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इस दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में खास आकर्षण का केंद्र जहां स्कूली बच्चे रहे, वहीं इसी के साथ 90 वर्षीय शिवचंद बाना भी यहां योगा अभ्यास करते दिखाई दिए। वरिष्ठ नागरिक होने के नाते वे शिवचंद बाना जो कि 90 साल के हैं, उनका खास महत्व यह है कि वे प्रतिदिन साइकिल पर यात्रा करते हैं और योगा अभ्यास नियमित रूप से करते हैं, और इसी दौरान वे 90 वर्ष के होने के चलते उन्होंने अपना विचार भी साझा किए। उन्होंने कहा कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरा ध्यान देना चाहिए, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। इस दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम को देखकर लोगों में भारी उत्साह दिखाई दिया। हालांकि बरसात का मौसम था, उसके बावजूद भी यहां काफी संख्या में लोग उमड़े और यहां योगा अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित इस समारोह को देखने को लेकर भी लोग आए। मौजूद रहने के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। प्यारे बच्चों, आज आपने बहुत ही अच्छा योगा किया। आप सब ने, काफियों ने शीर्षासन भी करा, मुझसे भी नहीं हो पाया, बट आप सब ने बहुत अच्छे से किया, तो अच्छी बात है। आप सब लोग करते भी हैं, और अभी आपने DSP साहब ने आपको सबको शपथ भी दिलाई, प्रतिज्ञा ली आपने कि आप सब योगा करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। आप सब अपने नेचर में, अपने दिन प्रतिदिन प्रतिक्रिया में इसको, योगा को आप इसको जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक बड़े होते हैं तब हम सुनते हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस के जरूरी होता है। आप अभी बच्चे हैं, चलो खेल कूद में ज्यादा ध्यान रहता है, बड़े हो जाएंगे थोड़ा काम में पढ़ाई में ध्यान रहेगा, मगर एक बैलेंस जो होना चाहिए ना, वो बैलेंस योगा से आता है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत है ना, योग मुनियों की धरती है, यहाँ भी योग के लिए प्रचार करना पड़ रहा है, कि बताना पड़ रहा है। ये तो रामदेव जिन्होंने TV पर इसको चलाया तो हमें पता लगा, और जबकि भारत तो सदियों से ही योग मुनियों की धरती है, योग हमारा पहला कर्तव्य है, तो आपको स्वस्थ रहने के लिए भी बताना पड़ रहा है भाई आप ये करो, हंसी लो, हनुमान वाली हंसी हंसो, आ रही है क्या, इन्होंने सिखाई थी हनुमान वाली हंसी, आ रही है क्या हैं? कुछ तो सीखा होगा, रोजाना करोगे हैं? सब लोग खड़े हो, सभी खड़े हो, अपनी जगह खड़े हो जाओ, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, आगे हाथ करके सप्त लें भाई, हम हर रोज 30 मिनट योग का अभ्यास करेंगे। जोर से बोलो, हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हर रोज योगा अभ्यास करेंगे और अपने परिवार वालों को भी करवाएंगे, और हम शपथ लेते हैं कि किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे।
तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक थोड़ा सा मोबाइल को बस इनके एक बार तो हम भर जो जी आजा भी धर्मपाल फोटो ले भी धर्मपाल पानी की बाल्टी ले पानी ला लो पानी।